गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है मेरे चैनल ई होम्योविजन में। और मेरे सामने बहुत सारे केसेस में देख पा रहा हूँ, और अभी जनरली कॉन्स्टिपेशन के केसेस मेरे सामने बहुत आते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे भी बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कि सर कॉन्स्टिपेशन की होम्योपैथिक मेडिसिन बताइए। तो केसेस तो मैंने बहुत ठीक करे हैं, थाउजेंड ऑफ केसेस ठीक हो चुके हैं, मगर कॉन्स्टिपेशन का एक्चुअल कारण क्या है? कॉन्स्टिपेशन जिसको हम कब्ज बोल सकते हैं, और ये कब्जियत एक आम इंसान को किसी भी उम्र में हो सकती है, क्योंकि इनफ्रीक्वेंट बॉवेल मूवमेंट्स या डिफ़िकल्टी इन पासिंग स्टूल इंग्लिश में बोल सकते हैं, और हिंदी में बोलते हैं कि अगर पेशेंट को इनफेक्चुअल डिज़ायर होती है, एक बार में वो मल त्यागने जब जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो खुल के मल नहीं त्याग पा रहा है, फिर उसको लगता है दो तीन बार मुझे फिर जाना है, जाने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो ऐसे करके चार पांच बार आठ दस बार भी पेशेंट जाता है मगर वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, जिसको बोलते हैं इनफेक्चुअल डिज़ायर टू पास स्टूल। ये बहुत अच्छा सिम्टम है, हमारी एक मेडिसिन भी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। और इन फ्रीक्वेंट बोवेल मूवमेंट्स मींस पासिंग लेस देन थ्री स्टूल्स अ वीक, कुछ ऐसे भी हैं पेशेंट हमारे सामने। और कुछ सिम्टम्स आते हैं हार्ड स्टूल, इनसफिशियंट स्टूल, अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल और फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट बोवेल इवेक्यूएशन, बोल सकते हैं स्ट्रेनिंग एट स्टूल एंड इन एक्सट्रीम केसेस अ नीड टू यूज फिंगर टू रिमूव स्टूल। देखिए ये सब सिम्टम्स पेशेंट हमें बताते हैं, और मैं बोलना चाहता हूँ जब पेशेंट प्रॉपर कॉन्स्टिपेशन का शिकायत लेके आता है, वो बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिंस, वो बहुत लंबे समय से एलोपैथिक ले रहा होता है, ड्रग्स ले रहा होता है, जैसे कि बोल सकते हैं स्टीरॉइड्स होते हैं ना, हैवी पेन किलर मेडिसिंस, कॉम्बी फ्लेम लाइक देट, बहुत सारी ऐसी मेडिसिंस पेशेंट लेते हैं जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन, कुछ आयुर्वेदिक ड्रग आते हैं कि बहुत सारे समय तक वो लोग लेते हैं, कुछ चूर्ण टाइप के आते हैं उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, टेंशन स्ट्रेस, जिनका सिटिंग वर्क होता है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं सिटिंग वर्क होता है, उनके बोवेल मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं होते तो उनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। और आजकल की सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई है, बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं बोलते हैं सर मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। बहुत सारे रीज़न हैं कॉन्स्टिपेशन होने के, मगर आज मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाला हूँ जो हमने रिसर्च होम्योपैथिक में जो रिपर्टराइज करी है, बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है। पहली मेडिसिन आती है नक्स वोमिका, इट इज़ द टॉप ग्रेड होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर कॉन्स्टिपेशन विथ इनएफेक्चुअल डिजायर एंड स्कैंटी स्टूल, स्कैंटी मीन्स लेस स्टूल। और बोल सकते हैं नक्स वोमिका बहुत इफेक्टिव मेडिसिन क्यों है, क्योंकि इन सफिशिएंट स्टूल विथ इन एफेक्चुअल अर्जिंग, वो लोग नक्स वोमिका सूट उनको करती है इनका कम स्टूल पास होता है, वेरी फ्रीक्वेंटली उनको बार बार मोशन पास करने जाना पड़ता है, अनसेटिस्फैक्ट्री एंड इनसफिशिएंट स्टूल, और जब पास भी कर देते हैं और मेनी टाइम्स अ डे, और देर इज नेवर गॉट डन फीलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, नेवर गॉट डन फीलिंग, एबडोमेन पेन भी फील करते हैं, और बहुत सारे मेरे पास सिम्टम्स आते हैं, एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट सिम्टम्स। और मैं उम्मीद करता हूँ नक्स वोमिका 32 बूंद 3 बार, अगर ये मेडिसिन जर्मन में शॉबे की आप ब्रांड लेंगे, 2 बूंद 3 बार नक्स वोमिका 30, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इनिशियल कॉन्स्टिपेशन के लिए। सेकेंड मेडिसिन है ब्रायोनिया एल्बा, बहुत अच्छी मेडिसिन है अगर ड्राई स्टूल होता है, बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, और बोल सकते हैं कि लंप फॉर्म का होता है ड्राई हार्ड स्टूल, और बोल सकते हैं कि बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, ड्राइनेस बर्निंग होती है साथ में स्टूल पास करता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है स्टूल पास करने में ब्रायोनिया, बहुत हेडेक भी होता है पेशेंट को जिसको गैस्ट्रिक हेडेक बोलते हैं, तो आप ब्रायोनिया एल्बा, मैं इसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एलुमिना थर्ड मेडिसिन, एलुमिना एक ऐसी मेडिसिन है अगर आप देते हैं कि बहुत समय लंबे समय तक उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, बोलते हैं एब्सेंस ऑफ द अर्ज टू पास स्टूल फॉर डेज टुगेदर, बहुत लंबे समय तक दो दो तीन तीन चार चार दिन हो जाते हैं पेशेंट पास नहीं कर पाता स्टूल, इंटेंस इंटेस्टाइनल एक्शन इज एक्सट्रीमली स्लगिश, जो इंटेस्टाइन होती है आते होती हैं उनका जो एक्शन होता है बहुत स्लगिश हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। एलुमिना आप ट्राई कर सकते हैं, साथ में लाइकोपोडियम इज अ वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल गुड मेडिसिन, जिसमें फ्लेचुलेंस भी होता है, पेट में गैस बनती है साथ में एब्डोमिन में ब्लॉटेड सेंसेशन होते हैं, गैस ऊपर नीचे चढ़ती है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक हेडेक भी हो जाता है कभी कभी पेशेंट को, लाइकोपोडियम हम बहुत अच्छी मेडिसिन मानते हैं, आप दे सकते हैं। साइलिशिया इज अ वेरी गुड मेडिसिन, साइलिशिया के कुछ अलग सिम्टम्स हैं, साइलिशिया का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, सॉफ्ट होता है, नीड स्ट्रेनिंग टू पास,
स्टूल सॉफ्ट होता है मगर उसको दम लगाना पड़ता है पास करने के लिए, चिकना चिकना मोशन होता है। साइलिशिया बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, बर्निंग स्मार्टिंग पेन भी होता है साइलिशिया के पेशेंट को, स्मार्टिंग पेन, बर्निंग पेन एनस रीजन पे जहाँ से मल पास होता है। और बहुत सारी मेडिसिन है, एंटीएम क्रूड में इरेक्टेशन ज़्यादा आती है, कभी डायरिया होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी डायरिया होता है, फिर कभी, क्योंकि वो चेंज होता है, उसका बोवेल प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाता, तो पेशेंट लेते हैं बहुत सारी मेडिसिन। एस्कुलस हिप और कोलेंसोनिया, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर होता है तो पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पाइल्स है ना, बवासीर, फिशर, फिस्चुला, ये सभी प्रॉब्लम्स जो आज आप देख रहे हैं इसका मुख्य कारण है कॉन्स्टिपेशन। अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो ये सब प्रॉब्लम होती है, तो हम उम्मीद करते हैं आप कॉन्स्टिपेशन से राहत आपको मिले तो आगे ये फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं। इसलिए एस्कुलस हिप, कोलेंसोनिया, रेटिनिया, एसिड नाइट्रिकम, ये बहुत सारी मेडिसिन है। अगर आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट कराना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर है +91 8989 00 3663। आप मुझे व्हाट्सएप करके पूरी डिटेल्स भेजिए, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल जो भी यहाँ पे हमें केस दिखाते हैं सबका केस अलग होता है, सबकी दवाइयाँ, कुछ कॉमन दवाइयाँ हैं जो आप ले सकते हैं। येलो टैबलेट देख सकते हैं, येलो टैबलेट बहुत अच्छी ब्रांड है और ये बहुत दिनों से चल रहा है, ये फॉर्मूला लोग लेते हैं, लखनऊ की ब्रांड है, भारत होम्योपैथिक फार्मेसी की, बहुत अच्छी ब्रांड, ये एक गोली सफिशिएंट है, रात में चूसना है, सुबह आप उठेंगे मोशन आपका क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो दो गोली ले सकते हैं, साथ में लेग्स येलो बहुत अच्छा फॉर्मूला है। आप इसको टैबलेट फॉर्म में मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका पिक्चर मैं डाल दूंगा, लेग्स येलो ये भी आप ले सकते हैं एक गोली रात में सोते समय। साथ में आप जॉन्डिला सिरप, आपने सुना होगा जिनका लीवर स्लगिश होता है, जॉन्डिला एक चम्मच 3 बार खाने से पहले आप ले सकते हैं। साथ में गैस गॉन ड्रॉप्स, मेडिसिन कंपनी की है, वो भी किसी किसी को सूट करती है। साथ में गैस्ट्रोप्लेक्स एक बहुत अच्छा सीरप है, पॉवेल कंपनी का बहुत अच्छा सिरप है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं 1 चम्मच 2 बार खाने के बाद। और मैं मानता हूँ कि होम्योपैथिक में साइड इफेक्ट तो होते नहीं है, मगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ केस आपके सामने आते हैं तो आप मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट रिपर्टराइजेशन के लिए मुझे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट लॉगिन कर सकते हैं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव केसेस आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।